नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न टेक्निकल में। फिर से दोस्तों नई जॉब की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। रिक्रूटमेंट दोस्तों काफ़ी अच्छी है। रिक्रूटमेंट में अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करी जाए तो 1000 से ज़्यादा की हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से रिक्रूटमेंट आती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अक्रॉस इंडिया कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। जॉब लोकेशन आपकी जो है वो राजस्थान में रहेगी। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर की ये रिक्रूटमेंट है। काफ़ी सारी जो है वो ब्रांचेज हैं जो इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट दोस्तों वैसे जो है वो 3 मार्च को आई थी, लेकिन इसको जो है वो कोविड-19 के चलते जो है इसको पोस्टपोन कर दिया गया था, लेकिन दोबारा से रीओपन हो चुकी हैं। 1-2 दिन में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो ज़रूर इसके लिए आवेदन कीजिएगा। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे आवेदन करना है, डिटेल में बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली जो जॉब अपडेट हैं उनकी जानकारी आपको टाइम पे मिल जाए। तो एक एक करके दोस्तों हम लोग जो है वो बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों चाहे आपने बीई बीटेक करी हुई है या आपने डिप्लोमा कर रखा है, दोनों ही सूरतों में आप अप्लाई कर सकते हैं। इनके अलावा अगर आपके पास कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। किन किन डिपार्टमेंट में आपकी जो है वो नियुक्ति होने वाली है, यानी कि किन किन डिपार्टमेंट में आपको जो है अपॉइंट करा जाएगा, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, जल स्वास्थ्य अभियांत्री विभाग और राजस्थान राज्य कृषि विभाग, इन सभी जगह पे आपको जो है वो अपॉइंट करा जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अगर आपने सिविल में कर रखा है या मैकेनिकल में कर रखा है, अपना डिप्लोमा डिग्री आपके लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है। स्क्रीन के ऊपर आप देख भी पा रहे होंगे कि किन किन पोस्टों के लिए जो है अगर आपके पास है ये वाली ब्रांचेस पे आपने जो है वो डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों बात करें अप्लाई मोड की, तो ऑनलाइन मोड से आपको आवेदन करना है। वैसे यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स दिए गए, अगर आपको समझ नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ पे आप क्लिक करके जो है वो अप्लाई डायरेक्ट कर पाएंगे। बात करें दोस्तों एप्लीकेशन फीस की, तो 450 रुपये की फीस रखी गई अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। बाकी जो लोग जो हैं वो राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अंडर आते हैं उनको जो है वो 350 रुपये फीस पे करनी है, अगर आप पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, SC ST वाले। बाकी अगर आप नॉर्मल जो है वो SC ST से आते हैं तो 250 रुपये की फीस आपको जो है वो ऑनलाइन मोड से पे करनी पड़ेगी। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, नोटिफिकेशन एक बार जरूर रीड करिए, बिना नोटिफिकेशन को रीड करे आवेदन मत करिएगा। बात करें दोस्तों सैलरी की, तो यहाँ पे जो है सैलरी भी आपको जो है वो दी जाएगी। यहाँ पे लेवल 10 की आपको सैलरी दी जाएगी, अच्छी खासी सैलरी दी जाएगी। एक तरह की गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, तो ज़रूर इसके लिए आवेदन कीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों जो है आपको देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान की जो संस्कृति है उसका ज्ञान भी होना चाहिए। तो ये चीज़ें भी जो है यहाँ पे लिखी गई हैं। डिग्री के साथ साथ आपके पास ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए, ये साफ साफ यहाँ पे लिखा गया। बात करें दोस्तों एज लिमिट की, तो 18 से लेकर 40 साल तक की एज लिखी गई है। बाकी आपकी एज जो है 18 से कम, 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल मिलेगी, जैसा कि पहले मिलती आई है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि राजस्थान के कैंडिडेट को मिलेगी, बाहर के स्टेट के कैंडिडेट को जो है वो अनरिजर्व के लिए ही आवेदन करना पड़ सकता है। तो यही दोस्तों लिखा गया यहाँ पे इनकी नोटिफिकेशन में। अगर कुछ छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको जो है ये अच्छी लगी है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी ही जितनी भी आने वाली जॉब अपडेट है वो चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलेंगे ऐसी किसी नई जॉब अपडेट के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।